असलम एवरी वन वेलकम टू अवर वीडियो सीरीज लर्न जर्मन फॉर बिगिनर्स ए वन डच कोर्स लास्ट टू लेसन में आप लोगों ने सीखा था ऑफिशियल एंड अन ऑफिशियल टाइम के बारे में और आज जो है हम सीखने जा रहे हैं पुजसीब आर्टिकल क्या होते हैं और इनका यूज़ कैसे होता है तो स्टार्ट करते हैं माइन नाम है इज लिली गुतन ताक बस इज ईयर नाम है इज दस दाइन तो यहाँ पे जो यूज़ हुए हैं माइन ईयर एंड दाइन ये आर्टिकल्स जो है, इनको बोलते हैं तो तो करते हैं अपना नोमनाटिव तो क्या होता है वो हमने सीखा था लेसन नंबर नाइनटीन में तो आप लोग जाके क्विकली देख सकते हैं कि क्या होता है नोमिनाटिव और इसके अलावा पर्सनल प्रोनाउन जो थे पर्सनल प्रोनाउन वो हमने लेसन नंबर एलेवन में सीखे थे अगर आप लोगों को वो याद नहीं है तो हम जल्दी से यहाँ पर एक बार जो है उन पर नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि वो कौन से थे तो पर्सनल प्रोनाउन एम डू इश जी एस वी ए जी जी और कौन सा कहाँ किस होता है और किस लिए यूज़ होता है वो सब भी आप जो है हमारे प्रीवियस प्रीवियसन में जाके देख सकते हैं तो जर्मन लैंग्वेज में जो भी प्रोनाउन होता है उसका अपना एक पोजसिव आर्टिकल होता है हमारा पहला प्रोनाउन आ गया है ईश और इसके पोजेसिव आर्टिकल होंगे माइन और द माइने तो फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इश पिन इश इश्कॉमे आउस्ट हमबर्ग मैं पेटर हूँ और मैं हमबर्ग से आया हूँ दस इज माइन फैंसेयर क्योंकि फैंसेअर का आर्टिकल होगा देयर फैंसेर जब किसी भी नाउन का आर्टिकल देयर होगा तो फिर उसका पोजेसिव आर्टिकल होगा माइन और नेक्स्ट आ जाएगा दस इज माइन आउट क्योंकि ये दस आउट होता है आर्टिकल इसका दस है तो इसके साथ भी हमने माइन यूज़ किया है तो फेमिनिन केस में होगा दस इज माइने काट से क्योंकि एक आर्ट से का जो आर्टिकल है वो है दी का से तो इसके लिए पोजिसिव आर्टिकल आएगा माइन ने कार्ड से मतलब देयर और दस के लिए पोजिसिव आर्टिकल होगा माइन और दी के लिए आएगा माइन ने तो प्लूरल के लिए भी सेम है दी ब्यूश क्योंकि यहाँ पे दी आया है तो इसका आर्टिकल पोजिव आर्टिकल जो है वो भी माइने ही होगा दस सिंथ माए ने ब्यूश तो अभी ये बात जो है आपने दिमाग में रखनी है जहन में रखनी है कि देयर और दस के लिए पोजिसिव आर्टिकल आएगा माइन और दी फेमिन जो होती है सिंगुलर और दी प्लूरल के लिए आर्टिकल आएगा मायने तो नेक्स्ट प्रोनोमन है डू और इसका पोजिसव आर्टिकल होगा दाइन और दा दाइने ये इन फॉर्मल वे है इसका भी जो है ना वो सेम ही रूल है जैसा कि हमने पिछले आर्टिकल में सीखा था लेकिन फिर भी हम इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं वी हैज़ टू तुम्हारा नाम क्या है वो हेयर कॉम्स टू तु, तुम कहाँ से आया हो इस दस दाइन फैनजेयर तो ये देअर फैनजेयर था इसलिए यहाँ पे दाइन आर्टिकल यूज़ हुआ है पोजेसिव आर्टिकल और सेम ही रूल है और दस के लिए भी सेम ही होगा नेक्स्ट है इस दस दाइन आउट दस आउट था इसलिए यहाँ पे पोजेसिव आर्टिकल आया है दाइन आउट मतलब जैसे वहाँ पे था पिछले आर्टिकल में वैसा ही है देअर और दस के लिए यूज़ होगा पोजैसिव आर्टिकल होगा दाइन और जो फेमिनिन है जैसे दी काट से इसके लिए होगा दाइने इस दस दाइने काट से क्या ये तुम्हारी कैट है तुम्हारी बिल्ली है और नेक्स्ट जो है वो भी मतलब सेमी रूल है उसका भी प्लूरल में जैसे वहाँ पे भी दी ब्यूशर होगा जैसे जिन दस दाइने ब्यूशर तो यहाँ पे देखिए दाइने यूज है क्योंकि दी ब्यूशर होता है किसी भी नाउन का आर्टिकल जब दी होता है तो उसके लिए हम दाइने माइने यूज करते हैं और जब देयर और दस होता है तो उसके लिए माइन और दाइन तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा प्रो एयर ही जाइन और दाइने एयर के लिए हमेशा पुदसिव आर्टिकल जाइन दा और दाइने दा यूज होगा दस इज पेटर एयर कम्प्ट आउस बर्लिन ये पेटर है और ये बर्लिन से आया है दस ist जाइन फैजर दस ist जाइन Auto, das दस इज जाइने das sind दस Bücher. जाइन एब्यूशो तो नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं जी शी और इसका पोजेसिव आर्टिकल होगा ईयर और द ईयर और ये क्लाइन जी है ये याद रखिएगा और दस इज यूलिया जी कॉम्प्ट आउस फ्रंक्फोर्ट ये यूलिया है और ये फ्रंक्फोर्ट से आई है दस इज ईयर फैनजेअर दस इज ईयर आउट दस इज ईयर ए कार्ट से दस जिन्थ ईरे ब्यूशो और नेक्स्ट वन आ जाएगा एस जाइन और दस जाइनेसिव आर्टिकल होंगे और इसके लिए बाइशील देख लेते हैं दस इस, दस आइन कंट एस इज फ्यारे आल्ट दस इज फैनज दस जाइन आउटो दस जाइने कट से दस जिंद ब्यूशो नेक्स्ट है वियर मतलब हम उन्जर, उन्जरे ये है पोजिस आर्टिकल इसका मतलब होता है आवर तो वियर जिंत आई होप अब तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी तो नेक्स्ट आ जाएगा ये, ये इनफॉर्मल वे है इसका होगा पोजिव आर्टिकल ओयर और योर आपका तुम्हारा तो इसकी बाइशपिल है वी हाइस्ट ईयर वो हेयर कॉम्प्ट ईयर उसका नाम क्या है और वो कहाँ से आया है इस तस ऑयर फैंसिया इस तस ऑयर आउटो इस तस ओयरे कार्ट से जिन दस ओयरे ब्यूश तो नेक्स्ट आ जाएगा जी और द जी तो ये फॉर्मल है दोनों एक प्लूरल है एक सिंगुलर है और दोनों के लिए जो है वो ग्रोस एस यूज हुआ है कैपिटल एस और इसका पोजिटिव आर्टिकल होगा ईयर ओ द और दोनों का देखिए कि आई जो है वो ग्रोस है तो जिन जी हेरम्यूला जिन जी टीम क्या आप हेरम्यूलर हैं क्या आप एक टीम हैं इस दस ईयर फैन से आप देखिएगा हर जगह पे आई जो है वो ग्रोस ही लिखा होगा इस दस ईयर आउटो इस दस ईयर काट से जिन दस ईयर ब्यू शो तो नेक्स्ट आ जाएगा जी ये क्लाइनस है दे इसका मतलब है और इसके प्रोसेसिव आर्टिकल होंगे ईयर द ईरे देयर मतलब है इसका मतलब उनका और ये आई लाइन लिखा हुआ है दस इज आइ पार जी वोन इन इन ये एक पार है मतलब कपल है और ये दोल में रहते हैं दस इज ईयर फैंस दस इज ईयर आउटो दस इज ईरे काट इन जिंद ईरे ब्यूशो तो अभी जो है हम सब हो गए हैं आर्टिकल तो अभी हम एक नज़र डाल लेते हैं सारे जो पोजेसिव आर्टिकल हैं और उनके जो नॉर्मल जो प्रो हैं उस हिसाब से तो मैस्कुलन फेमिनिन न्यूट्रल और प्लूरल में तो फर्स्ट वन है इश मैस्कुलिन होगा माइन फेमिनिन माइने न्यूट्रल होगा माइन और प्लूरल भी माइने इसी तरह नेक्स्ट वन है डू तो इसका मैस्कुलिन है दाइन फेमिनिन दाइने न्यूट्राल दाइन प्लूराल दाइने नेक्स्ट है एयर और द एस Masculine Sein, Feminine Seine, Neutral Sein, Plural Seine. Next has Sie, Ihr, Ihre, Ihr, Ihre. Next have wir, Unser, Unsere, Unser, Unsere. Next ihr ihr, Euer, Eure, Euer, Eure. Next grows as, as Sie and Sie, Ihr, Ihre, Ihr, Ihre. Last one has Sie. इसका मैस्कुलिन है ईय फेमिनिन ई रे न्यूट्रल ईय और प्लूराल ई रे तो ये था आज का हमारा लेसन आई होप दिस हेल्प्स आप लोगों की हेल्प हुई हो और समझ आ गई हो और नहीं भी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि और भी कोई हेल्प जो है लेना चाहे तो ले सके और चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक कीजिए अपना ख्याल रखिएगा मिलते हैं एक नए लेसन में तब तक के लिए दें के आफ आज चूस